हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आयोजन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे, तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। स्वतंत्रता पश्चात भारत के लोगों को आर्थिक न्याय दिलाने तथा देश को आत्मनिर्भर एवं नेतृत्वकर्ता देश की श्रेणी में लाने हेतु नियोजन की रणनीति बनाई गई है। इस रणनीति के तहत अपने संसाधनों की संभाव्यता का आकलन करते हुए प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया तथा उनकी प्राप्ति हेतु 5 वर्षीय रणनीति बनाई गई। इसे पंचवर्षीय योजनाएं कहा गया। भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा चुकी है। नई सरकार आधुनिक जरूरतों को देखते हुए पंचवर्षीय रणनीति को छोड़कर नवीन दीर्घकालिक रणनीति पर अग्रसर है, जिसके तहत दीर्घकालिक रणनीति को बनाकर उसकी प्राप्ति हेतु मध्यकालिक एवं वार्षिक योजनाएं बनाई जाएगी। अब आगे है योजना आयोग। योजना आयोग का गठन नियोगी समिति की अनुशंसा पर 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और यह एक सलाहकारी निकाय थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। अब आगे है नीति आयोग। भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग की स्थापना भी मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2005 को की गई। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत का परिपालन करते हुए भारत सरकार को नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने हेतु एक थिंक टैंक है। नीति आयोग को उसके पूर्ववर्ती संस्था योजना आयोग की तुलना में अधिक समावेशी, बाजारोन्मुख तथा दक्ष संस्था माना जा रहा है। अब आगे है नीति आयोग के उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। वहीं दूसरा उद्देश्य है संरचनात्मक संयोग पहल के माध्यम से सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देना। और तीसरा है ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने हेतु तंत्र विकसित करना और इसे सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना। और चौथा उद्देश्य है आर्थिक रणनीति एवं नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के सम्मिलित को सुनिश्चित करना। आगे है अगला उद्देश्य समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से समुचित रूप से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम हो। नेक्स्ट है रणनीतिक और दीर्घावधिक नीति तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना, पहल करना तथा उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करना। आगे है महत्वपूर्ण हित धारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों के साथ साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच परामर्श और भागीदारी को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, पेशेवरों तथा अन्य साझेदारों के सहयोग के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता समर्थक प्रणाली का विकास करना। नेक्स्ट है विकास के एजेंडे में गति लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दे के समाधान हेतु मंच प्रदान करना। नेक्स्ट है कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर
जोर देना। अगला उद्देश्य है अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन तथा सतत एवं न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली पर अनुसंधान करे तथा हितधारकों तक उसका प्रसार करे। अगला उद्देश्य है आवश्यक संसाधनों की पहचान करने के साथ साथ कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन एवं निगरानी करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास एजेंडा और उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों को संपादित करना। अब आगे है नीति आयोग का गठन। 1 जनवरी 2015 के संकल्प तथा 16 फरवरी 2015 के संशोधन द्वारा नीति आयोग के गठन की व्यवस्था इस प्रकार है। पहला है भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। दूसरा है इसके शासी परिषद में सभी राज्यों एवं विधानमंडलों से युक्त संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल होंगे। तीसरा है विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामलों जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा। ये विशिष्ट कार्यकाल के लिए गठित होगी। उस क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल इसके सदस्य होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके नामित प्रतिनिधि इसके अध्यक्ष होंगे। आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा संबंधित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले दक्ष विशेषज्ञ और कार्यरत व्यक्ति विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किए जाएंगे। आगे है पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री के अलावा निम्न भी होंगे कौन कौन। तो उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होंगे। आगे पूर्णकालिक सदस्य होंगे अंशकालिक सदस्य जिसके अंतर्गत अग्रणी विश्वविद्यालयों शोध संस्थानों तथा अन्य संबद्ध संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य चुने जाएंगे। अंशकालीन सदस्यों की नियुक्ति चक्रीय आधार पर होगी। आगे है पदेन सदस्य होंगे जिसके अंतर्गत अधिकतम 4 सदस्य जिनका मनोनयन केंद्रीय मंत्री परिषद में से प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। पांचवा है मुख्य कार्यकारी अधिकारी या भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होंगे जिसकी नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। अब आगे है आवश्यकता के अनुसार सचिवालय। आगे है वर्तमान में नीति आयोग की संरचना। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं श्री अमिताभ कांत और इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं श्री वी के सारस्वत, दूसरा प्रोफेसर रमेश चंद्र, तीसरा प्रोफेसर वी के पॉल और इसके पदेन सदस्य हैं श्री राजनाथ सिंह या एक रक्षा मंत्री है, श्री अमित शाह या गृह मंत्री है और तीसरा है श्रीमती निर्मला सीतारमण या वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री है और चौथा है श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री है। आगे विशेष आमंत्रित सदस्य श्री नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री तथा जहाजरानी मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री। वहीं दूसरा है श्री थावरचंद गहलोत या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। तीसरा श्री पीयूष गोयल जो कि रेल मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। साथ ही अगला है श्री राव इंद्रजीत सिंह या सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री
नियोजन राज्य मंत्री हैं। आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद योजना निर्माण में राज्यों की भूमिका को सुनिश्चित करने हेतु 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। यह भी संविधानेतर निकाय है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना निम्नलिखित है। इसमें भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। इसमें सदस्य होंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज या फिर मुख्यमंत्री। दूसरा, योजना आयोग के सभी सदस्य और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य। इसके कार्य हैं, योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप देना। आगे है राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन का मूल्यांकन करना। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका उत्तर है बी, अर्थात केवल 2 और 3 सही है। तो आइए पढ़ते हैं 2 और 3 को। 2 में बतलाया गया है, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। वहीं 3 में बतलाया गया है, भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात NDC योजना आयोग के समानांतर संस्था है, जिसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना है। शेष दोनों विकल्प सत्य हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर है डी, अर्थात वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों की परस्पर अतिव्याप्ति नहीं है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, जबकि योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। इस प्रकार कथन ए सही नहीं है। योजना आयोग का कार्य योजनागत विकास से संबंधित है, जिसमें राजस्वगत क्रियाएं सम्मिलित नहीं है। पुनः एक व्यक्ति एक ही समय से योजना आयोग और वित्त आयोग का सदस्य हो सकता है। अतः विकल्प बी एवं सी के कथन भी सत्य नहीं है। योजना आयोग का संबंध पूंजीगत खाते से है, वहीं वित्त आयोग का संबंध राजस्व खाते से है। अतः सिद्धांतता योजना आयोग एवं वित्त आयोग का कार्यक्षेत्र भिन्न भिन्न है। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर निकाय है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करने के साथ साथ समय समय पर योजनाओं का मूल्यांकन करती है एवं राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीतियों की समीक्षा कर आवश्यकता अनुसार अपने सुझाव देती है, जिससे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबद्ध है। तो इसका उत्तर सी, अर्थात भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन एवं मूल्यांकन से। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका उत्तर है भारत का प्रधानमंत्री। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। तो इसका उत्तर है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। 6 अगस्त 1952 को गठित राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करती है। इसके अनुमोदन के पश्चात योजना संसद में प्रस्तुत की जाती है तथा जहां अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर यह सरकारी योजना बन जाती है और उसका प्रकाशन
कर दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी, तो इसका उत्तर है 6 अगस्त 1952। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अब अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद के पास। अब अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाएं अनुमोदित करने हेतु भारत में अंतिम प्राधिकारी कौन है, तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, भारत का योजना आयोग है, तो इसका उत्तर है बी अर्थात एक सलाहकार संस्था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग एक संविनेतर परामर्शदात्री निकाय है। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर उसी तारीख से नीति आयोग का गठन किया गया है। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार हैं। नीति का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका उत्तर है 1950 को। अब अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया है, तो इसका उत्तर है मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो इसका उत्तर है 1950 में। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है, तो इसका उत्तर है योजना आयोग की। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ, तो इसका उत्तर है 1 जनवरी 2015 को। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया, तो इसका उत्तर है योजना आयोग को। अशोक चंद्रा द्वारा टिप्पणी के रूप में योजना आयोग, जो कि अब समाप्त करके नीति आयोग प्रतिस्थापित कर दिया गया है, को आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया था। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नीति आयोग का CEO है, तो इसका उत्तर है अमिताभ कांत। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत है। अब अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है, तो इसका उत्तर है कर्नाटक। 17 अक्टूबर 2019 को नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस सूचकांक में भारत को 29 राज्यों एवं 7 केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया। सूचकांक में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया, पहला बड़े राज्य में, दूसरा उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्य तथा तीसरा केंद्र शासित प्रदेश। शहरी राज्य या छोटे राज्य, बड़े राज्यों में कर्नाटक प्रथम स्थान पर तथा झारखंड अंतिम स्थान पर है। यदि बिना किसी वर्गीकरण के साथ अर्थात बड़े राज्य, उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश या शहरी राज्य या छोटे राज्यों का मूल्यांकन एक साथ किया जाए, तो इस दृष्टि से दिल्ली प्रथम स्थान पर होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, तो इसका उत्तर है नीति आयोग। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के समन्वयन एवं कार्यान्वयन हेतु नोडल संस्था नीति आयोग है। अब अगला प्रश्न है,
नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में 2014 से 15 में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, तो इसका उत्तर है बिहार। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है, तो इसका उत्तर है 32.11। जून 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य राज प्रगतिशील भारत रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सूचकांक 2019 में बिहार का स्कोर 32.11 है। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है, तो इसका उत्तर है बी अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति का पूर्ण स्वरूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अब अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका उत्तर है डी अर्थात उपयुक्त सभी अर्थात योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर गठित योजना आयोग एक संविधानेतर निकाय है जिसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की संख्या एवं कार्यकाल सरकार की इच्छा पर आधारित होता है तथा इसके सदस्यों के लिए किसी विशिष्ट योग्यता का उल्लेख नहीं है, अतः उपयुक्त सभी विकल्प सही है। अब अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है, तो इसका उत्तर है पी चिदंबरम। पी चिदंबरम योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक, प्रणव मुखर्जी 24 जून 1991 से 15 मई 1996 तक तथा मॉन्टेक सिंह आहलूवालिया 6 जुलाई 2004 से 26 मई 2004 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो इसका उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया है जिसके उपाध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार है। अब अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, तो इसका उत्तर है भारत का प्रधानमंत्री। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबंध है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका उत्तर सी अर्थात केवल 2 और 5 अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारूप योजना आयोग द्वारा तैयार कर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद उसे स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद के पास भेजा जाता है। अंत में संसद की अनुमति मिलने के पश्चात इसे आधिकारिक योजना के रूप में भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो इसका उत्तर है 2012 से 2017। तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 17 है। इस योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 8%, कृषि में 4% तथा विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। वित्तीय वर्ष 2016 से 17
12वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष था। इसके साथ ही पंचवर्षीय योजना का युग समाप्त हो गया। इसके साथ स्थान पर नीति आयोग ने 15 वर्षीय दृष्टिकोण पत्र तैयार किया है। अब अगला प्रश्न है, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इसका उत्तर है एसपी गुप्ता समिति के द्वारा। योजना आयोग ने जून 2000 में इंडिया विजन 2020 पर एक समिति गठित की थी, जिसके अध्यक्ष योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर एसपी गुप्ता थे। अब अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? तो इसका उत्तर है 12वीं तीव्रता धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास शीर्षक के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 2012 से 17 था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार थे, सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वास्तविक दर से वृद्धि, 4% की दर से कृषि संवर्धन, तीसरा 10% की दर से विनिर्माण समृद्धि, चौथा प्रत्येक राज्य द्वारा 11वीं योजना की तुलना में 12वीं योजना में अधिकांशतः उच्चतर औसत समृद्धि, और आखिरी है 11वीं योजना का कार्यकाल वर्ष 2007 से 12 था, जिसका प्रमुख शीर्षक तीव्रता आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास था। अब अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु नहीं है? तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए पढ़ते हैं इसके विस्तार को। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उपशीर्षक है तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। इस योजना में 25 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्नवत हैं। GDP में 8% की वास्तविक दर से वृद्धि, दूसरा 4% की दर से कृषि समृद्धि, तीसरा 10% की दर से विनिर्माण समृद्धि, चौथा प्रति व्यक्ति उपभोग गरीबी में 10% की कमी, पांचवा योजना के दौरान गैर कृषि क्षेत्रक में 50 मिलियन नए कार्य अवसरों का सृजन आदि। अतः 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सभी विकल्प सत्य हैं, परंतु प्रश्न के संदर्भ में कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया? नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर डी अर्थात सभी चारों। तो आइए जानते हैं 1, 2, 3 और 4 को। तो पहला में बतलाया गया है संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, दूसरा विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, तीसरा आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, और चौथा उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाए रखने के लिए। अब अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से जुटाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऋण से। वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन ऋण से जुटाए जाते हैं। ऋणों के अंतर्गत बाजार ऋण, अल्पावधि ऋण, विदेशी सहायता, लघु बजटों की एवज में जारी प्रतिभूतियों, राज्य भविष्य निधियाँ, पूंजीगत प्राप्तियों की उधार एवं अन्य देयताएं आते हैं। बजट 2020-21 में उधार एवं अन्य देयताएं का हिस्सा 20% है। अब अगला प्रश्न है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया? तो इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन पर किया गया था। इस कमेटी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब अगला प्रश्न है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था? तो इसका उत्तर है श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। वर्ष 1944 में प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा भारत के आर्थिक नियोजन हेतु एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसे गांधीवादी योजना के नाम से जाना गया। इस योजना द्वारा
स्वावलंबी गांवों के साथ साथ विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की स्थापना की संकल्पना थी। अब अगला प्रश्न है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका उत्तर है जी मेडरल द्वारा। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जी मिनरल द्वारा दिया गया था। इस व्यवस्था में प्लान अनवरत चलता रहता है। वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाले जनता पार्टी सरकार ने भारत में इसे स्वीकार किया था, परंतु इस योजना के परिणाम सकारात्मक नहीं रहे। फलतः वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसके स्थान पर पुनः पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकार किया था। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? तो इसका उत्तर है जनता सरकार के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, चल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह इनमें से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात सभी सही है, अर्थात एक वर्ष के लिए योजना है, 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है और अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है और साथ ही 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए भावी योजना है। गुन्नार मेडल ने अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग में रोलिंग प्लान को विकासशील देशों के लिए अनुशंसित किया था। रोलिंग प्लान के अनुसार प्रश्नगत सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न फिर वही है, तो फिर इसे छोड़ देते हैं, भाई चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन एक विषय है? तो इसका उत्तर है संवर्ती सूची में। संविधान में 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है? तो इसका उत्तर है 7। वर्ष 1951 जब से योजना प्रक्रिया प्रारंभ हुई से लेकर अब तक पंचवर्षीय योजनाओं में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या 7 है। वर्ष 1966 से 69 तक 3 वर्षों तक योजना अवकाश रहा। पुनः वर्ष 1978 से 79 में अनवरत योजना लागू रही, जबकि वर्ष 1979 से 80 में कोई योजना नहीं लागू की गई और 7वीं योजना के समापन वर्ष 1990 तथा 8वीं योजना के प्रारंभिक वर्ष 1992 के मध्य 2 वर्ष का अंतराल रहा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहली बार गरीबी निवारण के उद्देश्य के साथ गरीब वर्ग की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया था। अब अगला प्रश्न है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो इसका उत्तर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। यद्यपि विकास केंद्र उपागम का प्रारंभ 4थी योजना में हुआ, तथापि इस पर विशेष बल 5वीं योजना में दिया गया। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम के घटक थे। अब अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो इसका उत्तर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली।
यह योजना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना था। वर्ष 1956 में घोषित औद्योगिक नीति में समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया। अब अगला प्रश्न है, नौवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा बजट का कितने प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा को विनियोजित किया गया है? तो इसका उत्तर है 58%। नौवीं पंचवर्षीय योजना में कुल शिक्षा बजट का 66% प्राथमिक शिक्षा हेतु आवंटित किया गया था। अतः नज़दीकी सही उत्तर विकल्प डी होगा। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य क्या है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 9%। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित दृष्टिकोण पत्र में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हेतु 9 से 9.5% का लक्ष्य रखा गया था। तथापि 27 दिसंबर 2012 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति दिए जाने के साथ इसके तहत औसत वार्षिक विकास दर के लक्ष्य को घटाकर 8%, कृषि एवं संवर्धा क्षेत्र विकास दर लक्ष्य को 4%, औद्योगिक क्षेत्र विकास दर लक्ष्य 7.6% तथा सेवा क्षेत्र विकास दर लक्ष्य को 9% कर दिया गया था। अब अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है? तो इसका उत्तर है 4%। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर 4% के स्तर पर अनुमानित था। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।